हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं हेटरोजेनिटी के बारे में। हेटरोजेनिटी का मतलब होता है कि आपने जो भी सैंपल लिया है, और आई कंसीडर लार्ज सैंपल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो सारा का सारा एक जैसा है या उसके अंदर भी कई तरह के ग्रुप्स हैं। तो जब भी हम डाटा एनालिसिस करते हैं, हम ये एक अजम्पशन के साथ काम करते हैं कि वो सारे लोग, 1000 लोग, 1200 लोग बिल्कुल एक तरह से सोचते हैं और एक तरह की उनकी रिप्लाई है। तो ये चेक करना क्या वाकई ऐसा है या उसके अंदर कुछ और चल रहे हैं, ग्रुपिंग है उनके अंदर, सेगमेंट है या क्लस्टर है उनके अंदर, इस चीज को बोलते हैं हेटरोजेनिटी। तो एक बार हम पूरा पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। अगर आपके पास एक लास्ट डाटा है जो कि मैं मानता हूं 1000 प्लस का डाटा है और लिकर्ट स्केल पे आपने लिया है, तो सबसे पहले तो आप यूज करेंगे मेजरमेंट मॉडल, फिर करेंगे स्ट्रक्चर मॉडल, और फिर एक अलग इंडिपेंडेंट है हेटरोजेनिटी भी चेक कर सकते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल और हेटरोजेनिटी पे हो सकते हैं। मेजरमेंट मॉडल पे ऑब्जेक्टिव नहीं होते, ये एक कंपल्शन है, एक रिक्वायरमेंट है। एक क्विकली ग्लांस करते हैं इनके अंदर है क्या चीजें। मेजरमेंट मॉडल में बेसिकली हम चेक करते हैं रिलायबिलिटी एंड द वैलिडिटी। अब हमारे कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टिव हो सकते हैं या फॉर्मेटिव, दोनों के अंदर हम कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डिस्क्रिमेंट नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी चेक करते हैं। और अगर आपके पास है हायर ऑर्डर, रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव, तो हम उनके लिए भी कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी चेक करते हैं। ये सारे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं स्मार्ट पीएलएस की प्लेलिस्ट में, अमोस की प्लेलिस्ट में, आर स्टूडियो के साथ। लेकिन आपको सबसे पहले रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक करना पड़ेगा। अगर आपका इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंट्रोल वेरिएबल, मॉडरेटर, मीडिएटर, इनमें से कोई भी अगर आपका लिकर्ट स्केल पे है, तो इंक्लूडिंग मार्कर वेरिएबल, तो आपको सबसे पहले उनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी ये चेक करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए, इसके अंदर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी नहीं आ रही है, वो स्ट्रक्चरल मॉडल का पार्ट होता है। यहां पे कन्वर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट और नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी आती है। स्ट्रक्चरल मॉडल में हमारे पास बहुत कुछ है करने को। बेसिक आइडिया तो होता है कि हमारे पास एक मॉडल है, उसके आईडीवी डीवी का रिलेशन क्या है। ठीक है, अब इसमें आंसर ये भी एक आता है क्वेश्चन की कौन सा इंडिपेंडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, किसका इफेक्ट ज्यादा है, कौन से आईडीवी का। आंसर है सिंपल, बीटा देख लो, बीटा से पता लग जाता है। अब उस बीटा के साथ जब हम एक चार्ट बनाते हैं, एक्स एक्सिस पे बीटा और वाई एक्सिस पे मीन स्कोर, इसको बोलते हैं इपमा, इंपोर्टेंस परफॉर्मेंस मैप एनालिसिस। ऐसे ही अब हम बहुत सारे आईडीवी अगर है मेरे पास, तो मैं एनसीए भी लगा सकता हूं, नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस, कि कौन से वेरिएबल ऐसे हैं जो नेसेसरी हैं, कौन से हैं सफिशिएंट हैं। इसी चीज को एएनएन पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो कन्वेंशनल हम पीएलएसएम यूज करते हैं, ये लिमिटेड है लीनियर रिलेशन के लिए। हालांकि थोड़े एक दो इक्का दुक्का ऑप्शन है आपके पास क्वाड्रेटिक के, पर एएनएन हर तरह के रिलेशन चेक करता है, नॉन लीनियर, कर्वीलीनियर, तो इसके रिजल्ट ज्यादा बेहतर आते हैं। तो हम चेक करते हैं क्या स्मार्ट पीएलएस के जो रिजल्ट आए एएनएन के, वो सेम है या नहीं। एक अलग टेक्निक है FSQCA, फजी सेट क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस। ये भी वही काम करता है जो एनसीए करता है, कौन कौन से वेरिएबल नेसेसरी हैं, कौन से सफिशिएंट हैं, और कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी देते हैं ये, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल भी देते हैं। तो बेसिक आइडिया यही था कि मल्टीपल रिग्रेशन और कौन से आईडीवी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हम अलग अलग टेक्निक्स फर्दर यूज कर सकते हैं। किस पे, जो आपका स्कोर आएगा कंस्ट्रक्ट का, उनके ऊपर लगते हैं सारे। तो यानी मेजरमेंट मॉडल किया, कंस्ट्रक्ट स्कोर निकाला, उसके ऊपर ये सारा काम हो सकता है। इंडिपेंडेंटली हम प्रिडिक्टिव वैलिडिटी चेक कर सकते हैं हर कंस्ट्रक्ट की एज वेल एज मॉडल की भी। फिर एक मॉडल कंपैरिजन, स्ट्रक्चर मॉडल में आप बोले मेरे पास एक मॉडल है और उसमें मैंने रिकमेंड किया कि ये उसके अंदर चेंज आना चाहिए, तो वो हमारा मॉडल कंपेरिजन भी आप चेक कर सकते हैं। फिर हमारे पास हायर इफेक्ट आते हैं कि अगर हम बियॉन्ड आईडीवी डीवी जाएं, तो हमारे पास मीडिएटर या मॉडरेटर होते हैं। मीडिएटर में सिंपल है, सीरियल है, पैरेलल है, मॉडरेशन में मीट्रिक है तो इंटरेक्शन, नॉन मीट्रिक है तो मल्टीग्रुप। ये सारा हम कर सकते हैं स्मार्ट पीएलएस सॉफ्टवेयर के अंदर या पीएलएस सैम के अंदर। क्वेश्चन आता है कि ये तो ठीक है, अपने आप में काफी ऑब्जेक्टिव बन भी गए, आपका बन गया कि मॉडल को चेक करना, मॉडल इंप्रूवमेंट को चेक करना, मीडिएशन रोल, मॉडरेशन रोल, ये सारा कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड क्या कर सकते हैं। हाँ, यहां से हम शुरू करते हैं। इसके बियॉन्ड आता है हेटरोजेनिटी। हेटरोजेनिटी के दो होते हैं, मतलब क्या सारा डाटा एक जैसा है।
कई बार लोग बोलते हैं नहीं एक जैसा क्यों है, हमें पता है कि ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं या एज ग्रुप है। इस कंसेप्ट को जब सोर्स पता हो इसको बोलते हैं मॉडरेशन। ये तो वही वाला मॉडरेशन है जो पीछे यहां चल के आया सेम। बहुत बार ऐसा होता है आप बोलते हैं मुझे नहीं पता मेरे डाटा में क्या चल रहा है, तो मेरे डाटा में किसी तरह की चीजें हैं नो आइडिया। चलो कोई बात नहीं, ये बताइए डीवी है आपके पास, डीवी का पता है जो कि हम यहाँ पीछे से ही करके हैं स्ट्रक्चर मॉडल में, डीवी का पता है हमें ठीक है। अगर डीवी का पता है तो हमारे पास तीन टेक्निक है, फिमिक्स है, पॉस है और रिबस है। फिमिक्स इज फाइनाइट मिक्सचर रिग्रेशन, पॉस इज प्रिडिक्शन ओरिएंटेड सेगमेंटेशन एंड रिबस इज रिस्पॉन्स बेस्ड यूनिट सेगमेंटेशन। ये दोनों हमारे अवेलेबल हैं स्मार्ट पीएलएस में और रिबस अवेलेबल है पीएलएस पीएम आर पैकेज है उसके अंदर अवेलेबल है। इन पे अलग अलग वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। बाय द वे इस पूरे जो ये डॉक्यूमेंट है इसमें जहां पर भी आप क्लिक करेंगे ये वो वीडियो है जो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाल रखे हैं ठीक है। आप सीधा क्लिक करेंगे तो उसमें चले जाएंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे, जब आप बोले डीवी मुझे नहीं पता कोई डीवी है, मैंने तो 15 स्टेटमेंट ली वो पूछ ली, कोई डीवी आईडीवी का आइडिया ही नहीं है, ये चार पांच कंस्ट्रक्ट लिए वो पूछ लिया अलग अलग जैसे साइकोलॉजी में करते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है कोई मॉडल नहीं है हमारा ऐसा ओके। या हो भी सकता है या नहीं भी पता हो, तो दोनों में आप ये बोलेंगे अच्छा ये बताइए बेसिक आइडिया क्या है। यहां पे था जब डीवी नॉन है तो बेसिक आइडिया है कि वो जो 1000 लोग हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मॉडल बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करता है लोगों के लिए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए आपके मॉडल का आर स्क्वायर 10% हो, कुछ हो सकते हैं जब 90% हो। तो आप जब भी 1000 करते हैं वो टोटल पे करते हैं तो एक तरह का क्लस्टर एनालिसिस विद इन द मॉडल इज कॉल्ड फिमिक्स और पॉस। और अगर आप बोलें कि डीवी का तो पता ही नहीं है मीट्रिक डाटा है तो क्लस्टर लगा दीजिए, क्लस्टर तो हमने कई बार बात की है अलग अलग सॉफ्टवेयर से। यहां पे एक और भी टेक्निक आती है एलपीए लेटेंट प्रोफाइल एनालिसिस। अब देखिए क्लस्टर की एक छोटी सी प्रॉब्लम देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एमबीए स्टूडेंट्स हैं उन पे क्लस्टर एनालिसिस हमने लगाया तो मुझे पता लगा एक तो ये क्लस्टर है ये कुछ स्टूडेंट्स, मतलब आप ध्यान रखिए क्लस्टर में ग्रुपिंग ऑफ पीपल करते हैं, फैक्टर एनालिसिस में ग्रुपिंग ऑफ स्टेटमेंट की जाती है। तो इसका मतलब अगर मैं 100 स्टूडेंट से 20 स्टेटमेंट पूछूं, लिकर्ट स्केल पे कुछ डाटा लिया मैंने, अगर स्टेटमेंट की ग्रुपिंग करता हूं उसका नाम है फैक्टर एनालिसिस और अगर पीपल की ग्रुपिंग करता हूं इसका नाम है क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टर एनालिसिस से मुझे ये पता लगा ये 10 स्टूडेंट बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं एक जैसा बिहेव करते हैं, ये 15 स्टूडेंट है ये 20 है ये 30 है अलग अलग है। तो अकॉर्डिंगली उनके अनुसार हम पॉलिसी बना लेंगे, कुछ भी हमें कुछ स्पेशल क्लास करवानी है कुछ उनकी स्पेशल नीड्स हैं अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई, नेक्स्ट बैच जब आएगा तो क्या ये रिजल्ट वैलिड होंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमने तो अपने तो नाम लेके बोला ना मिस्टर एक्स मिस्टर वाई ऐसे नाम लेके क्लस्टर बनाए, अगले साल फिर करना पड़ेगा क्लस्टर। अब यहाँ पे एक प्रोफाइल बनाते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स में ठीक हैं पर जो साइंस या मैथ के सब्जेक्ट है उसमें वीक है, कुछ ऐसे हैं जो लैंग्वेजेस में वीक हैं बाकी जगह ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोफाइल बनाना। प्रोफाइल उन पर्संस पे डिपेंडेंट नहीं है, उनके स्कोर से हम बोलेंगे इस तरह के स्टूडेंट्स ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो प्रोफाइल एनालिसिस भी एक बहुत शानदार टेक्निक है, लेटेंट प्रोफाइल एनालिसिस। मीट्रिक डाटा होगा कैसा भी हो तो माइट भी आपके पास मार्क्स है माइट भी आपने लिकर्ट स्केल लिया है, किसी भी तरह का मीट्रिक डाटा जो है उससे हम क्लस्टर भी कर सकते हैं और प्रोफाइल भी। क्लस्टर का मेन फोकस पर्संस के ऊपर है, प्रोफाइल का मेन फोकस करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है। और अगर यही नॉन मीट्रिक डाटा हो, जैसे मैंने तो सिंपल ये सवाल पूछे कि जैसे मैंने चार सवाल पूछे लोगों से कि आपको भाई नींद ठीक आती है, आपको भूख लगती है, मूड आपका ठीक रहता है, लो तो नहीं फील करते, सारे यस नो में है राइट। अब इनके ऊपर आप देखिए जिसको भूख ठीक नहीं लगती जिसको नींद नहीं आ रही मूड ठीक नहीं रह रहा या लो फील करता है, दीज आर द अर्ली सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। तो अगर जिसमें चारों में ये एसेस करते हैं तो ये एक क्लास है, इसको बोलते हैं लेटेंट क्लास एनालिसिस। लेटेंट मतलब एब्स्ट्रैक्ट है कहीं है नहीं, क्लास मतलब एक करेक्टरिस्टिक्स है कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है। तो डाटा के अंदर से ऐसे लोगों को इकट्ठा करके बनाना कि ये एक क्लास है, यानी जो प्रोफाइल है वही वर्ड क्लास है, एलपीए एलसीए सेम है, मीट्रिक है तो उसको प्रोफाइल बोलते हैं और नॉन मीट्रिक है तो उसको क्लास बोलते हैं।
तो लेटेंट प्रोफाइल एंड लेटेंट क्लास एनालिसिस, तो इनकी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।